हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल। तो फ्रेंड, आज शनिवार की रात में निकला था, बिजनेस कुछ ठीक ठाक ही था और रविवार की सुबह भी बिजनेस ठीक ठाक नहीं था। हालांकि मैं थाना में था तो मुझे एक रिजर्वेशन बुकिंग आ गया फ्रेंड्स, और दो रिजर्वेशन बुकिंग मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ऊबर का ये सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड। पूरी बुकिंग की बातें बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं। मैं थाना में था तो थाना में मैं आके वेट किया, तो फ्रेंड थाना से मुझे एक रिजर्वेशन लगता है मीरा रोड का। 7 बजे मैं था लेकिन जो पिकअप है वो 9:30 बजे का था और कस्टमर आ रहा है अभी 9:42 हो रहा है, तो कस्टमर आ रहा है अभी 5 मिनट और, बोला ठीक है वेट करता हूँ। तो थाना से मुझे मीरा रोड का वेटिंग बुकिंग है, लेकिन उससे पहले मुझे मुलुंड का बुकिंग आ गया उबर का। मैंने मुलुंड का बुकिंग एक्सेप्ट कर लिया, मैंने मीरा रोड के लिए अभी 1-1.5 घंटा कौन रुकेगा उस बुकिंग के लिए। मुलुंड का मैंने एक बुकिंग एक्सेप्ट कर लिया, 200 रुपया प्लस टोल, 45 रुपया मुझे मिला मुलुंड। मैंने ड्रॉप किया पैसेंजर को और मैं उसके बाद मुलुंड ड्रॉप करते मुझे एक और रिजर्वेशन आ गया। रिजर्वेशन जो था वो मीरा रोड से मुझे कुर्ला टर्मिनस का आ गया। बोला अरे यार, अब तो मुझे अपना जो पहला बुकिंग है वो लेना ही पड़ेगा, तो मैं कैंसिल करने का विचार बना लिया था। तो मैं मुलुंड से खाली जाने का सोचा, वैसे मुझे एक बुकिंग उबर ने वही का टिंकू जी नवाड़ी का दे दिया। टिंकू जी नवाड़ी के पास में एक मे जोन से मेरा बुकिंग है। मैं बोला वाह भाई, उबर ने पूरा एकदम घुमा घुमा के बराबर मुझे टाइम टू टाइम वहां पे बुकिंग दिया है रिजर्वेशन देने के बाद। तो वेट कर रहा हूं पैसेंजर को, यहां से पैसेंजर को थाना से मैं एक्मे ओजोन से पिक करूंगा, मीरा रोड ड्रॉप करूंगा और 11 बजे मेरा मीरा रोड से लोकमान्य तिलक टर्मिनस का 535 रुपए का एक और बुकिंग है, वहां से सीधा घर चला जाऊंगा। यानी ये 4 बुकिंग जो सीरियल से मुझे उबर ने दिया है, पहले एक रिजर्वेशन दिया, फिर एक बुकिंग दिया मुलुंड, फिर मुलुंड से मुझे थाने लाके फिर पटका, और थाने से मीरा रोड का एक बुकिंग तो है ही ऑलरेडी, उसके बाद मीरा रोड से मुझे कुर्ला टर्मिनस का एकदम जबरदस्त रिजर्वेशन मिला है। तो इस तरह से काम ठीक ठाक हो जाएगा। पूरी डिटेल मैं आपको अभी घर पहुंचने पे बता दूंगा कि क्या हिसाब से फेयर मिला, कैसा मिला। पहले अभी ये थाना से मीरा रोड ड्रॉप करता हूँ, उसके बाद मीरा रोड वाला देखता हूँ क्या होता है। भाई साहब अभी क्या भरोसा कि मीरा रोड वाला पैसेंजर बुकिंग कैंसिल कर दे, तो वो तो बोल नहीं सकते, तो ड्रॉप करने के बाद ही देखेंगे। अभी ये वाला बुकिंग यहाँ पे हूँ मैं, एक्मे ओजोन के पास हूँ मैं, और ये पीछे ये मेरा ये पहला बुकिंग है एक्मे ओजोन से। उसके बाद मेरा एक और रिजर्वेशन अपॉर्चुनिटी में जाऊंगा तो मुझे शो करेगा फ्रेंड। ये देखो 535 रुपए का ये मैंने ले रखा है मीरा रोड शांति पार्क से तिलक नगर कुर्ला का। तो चलो, पैसेंजर बोला लिफ्ट में हूँ तो पैसेंजर को आने दो और लेके जाता हूँ, उसके बाद 11 बजे उस पैसेंजर को भी लेके ड्रॉप करता हूँ। फ्रेंड घर पे आ गया हूँ 12:30 पे, टोटल 12 घंटे हो गए। एक घंटा तो मीरा रोड के भाई टोल के पास फंसा रहा, बहुत ही हैवी जाम था मीरा रोड का टोल, काशी मीरा से लेके मीरा टोल तक 1 घंटा लग गया भाई साहब, इतना जाम था। तो चलो बात कर लेते हैं, आप बुकिंग किस हिसाब से हुआ, काम किस हिसाब से हुआ, रिजर्वेशन बुकिंग के बारे में तो आप लोग को बता दिया, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आया। इस समय बैक कैमरे से मैं पूरा मोबाइल में स्क्रीनशॉट के साथ दिखाता हूँ, आज ओला में एक भी बुकिंग नहीं हुआ, सभी बुकिंग उबर में हुआ, तो दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से आपको पूरा टोटल स्क्रीनशॉट के साथ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं, अर्निंग दिखाते हैं आपको किस हिसाब से क्या काम मिला है। शनिवार की रात में मैं काम पे निकला था, आज रविवार है। तो पहली बुकिंग जो शुरुआत करते हैं अपन, कितने बजे मिली थी, घर से निकला था मैं, ये देखो फ्रेंड 12:15 मुझे पहली बुकिंग मिली थी। आज जो बुकिंग मिली थी मुझे वो मुझे अंधेरी ईस्ट का बुकिंग मिला था घाट गोबर आर सिटी मॉल से। 11:44 बुकिंग मिली थी, 7 किलोमीटर की राइड थी, 147 रुपया मरोल मिला। मरोल जाके मैंने सीएनजी वगैरह भरा, काफी लेट हो गया। सीएनजी भरने के बाद एयरपोर्ट गया, एक बुकिंग आता है, फेयर दिखाया 9:30, कस्टमर ने एक स्टॉप डाल दिया, फेयर और कम हो गया और किलोमीटर बढ़ा लेकिन फेयर कम हो गया, कुछ समझ में नहीं आया भाई साहब। 798 रुपया प्लस 45 रुपया टोल मिला मुझे इसका। डोंबिवली जाने के बाद भाई मैं आ गया एक्सपीरिया मॉल, तो जहां करीब 3:30 तो बुकिंग बजा नहीं, 1.5 घंटे बाद बुकिंग मिलता है 4:23 पे। ये जो बुकिंग था ना फ्रेंड, एक कस्टमर ने बुक किया था T1 का, बाद में लेके आया कासा रियो से बाहर हाईवे पे, उसकी दूसरी गाड़ी आ रही थी तो वही ट्रिप नाके तक इन कर दिया। क्या मालूम वो कोई नाके तक बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए लोग T18 या T2 डाल के बुकिंग एक्सेप्ट करके फिर रोट वो कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। खैर छोड़ो, 2 किलोमीटर का मुझे 140 रुपया मिला है, 10 मिनट लगे मुझे। उसके बाद फिर गया, फिर भाई बुकिंग जो मिलती सीधा 6 बजे, फिर 1.5 घंटे या 2 घंटे के आसपास बुकिंग मिलती। दीघा का मुझे बुकिंग मिलता है भाई, दीघा निलजे कासा रियो से मुझे बुकिंग मिलता है 21 किलोमीटर का 270, क्योंकि रविवार हो चुका है, बुकिंग बहुत पैसे कम मिलने वाले। दीघा जाने के बाद फ्रेंड मुझे वहां से थाने का, मैं वहां से थाने चले गया,
वहां से करीब 10 किलोमीटर में थाने बसंत बिहार गया और वहां असली खेल शुरू हुआ फ्रेंड। वहां गया तो मैं पहले मुझे एक रिजर्वेशन बुकिंग आ गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था रिजर्वेशन बुकिंग एक मुझे ये वाली आ गई थी थाने से मीरा रोड वाली, आप लोग देख देते हो 20 किलोमीटर का 390। लेकिन रिजर्वेशन बुकिंग एक्सेप्ट करने के बाद मुझे एक थाने से पहले मुलुंड का बुकिंग लगता 8 बजे, क्योंकि रिजर्वेशन बुकिंग था 9:30 बजे का। तो मैं मुलुंड पैसेंजर को लो गया टोल के साथ, आप लोग देख सकते हो 235 रुपया मिला मुझे, किस एक कमीशन काट के अपने को पैसा मिला फ्रेंड, ये भी जान लो आप लोग ठीक है। देखो ये 191 प्लस 45 टोल, और जो कैश होता है ना ये 296 रुपया टोटल पेयर होता है कस्टमर का, कमीशन वगैरह काट के इतना पैसा मुझे मिला। तो था तो मुलुंड जाने के बाद मुझे भाई थाने से मीरा रोड से कुल्ला टर्मिनल से एक रिजर्वेशन और उबर ने दे दिया, बोला अब तो भाई थाने जाना पड़ेगा अपना। तो उबर ने पूरा उसी हिसाब से मुझे शेड्यूल किया और मुझे थाने वेस्ट टिंकू जीनीवाड़ी का एक बुकिंग मुलुंड से दे दिया, जिसका 162 प्लस 45 यानी 200 रुपया मुझे मिला, जो फेयर होता है 260 रुपया होता है 10 किलोमीटर का। पैसेंजर को ड्रॉप किया और उसके बाद वहां से 2 मिनट पहले पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे गया और मीरा रोड का पैसेंजर जो रिजर्वेशन बुकिंग था मैंने पिक किया 20 किलोमीटर का 390 रुपया, 42 किलोमीटर लगा। और ऑलरेडी 11 बजे का रिजर्वेशन मैंने एक ले लिया था टी लोकमान तिरस टर्मिनस का, 32 किलोमीटर का 510 रुपया फेयर, रिजर्वेशन का भी एकदम घटिया संडे को होता है भाई साहब 510, 45 रुपया टोल 550 रुपया। इस तरह से जो आज टोटल काम हुआ फ्रेंड वो भी दिखा देता हूँ आप लोग को, 550, 549, 9, 2, 11, 11 और 2, 13, 13 वहां पे बचा था ये हो गया 13, 3, 16, 16, 1, 17, 17 और 8, 2500 प्लस यहाँ पे कुछ और 2500, 2500 रुपए के आसपास का काम हो गया जनता। तो इस तरह से 2500 का काम मैंने तुम्हारे भाई ने कर लिया है, रविवार की रात में निकल के 12 घंटे मैंने काम किया। पूरा स्क्रीनशॉट के साथ मैं आप लोग को उबर का अपना इंटरफेस ओपन करके दिखाता हूँ। इस हफ्ते मैंने काफी छुट्टी भी किया था भाई साहब पिछले हफ्ते, फिर भी भाई पिछले हफ्ते मैंने जो काम कर लिया ना फ्रेंड, 2 दिन का देखो छुट्टी किया था मैंने, मंडे और एक फ्राइडे का मैंने 2 दिन छुट्टी लिया था, और 10,000 रुपए का काम ये खाली उबर में किया हूँ, ओला में भी कुछ काम किया था मैंने, इस हफ्ते का ये काम रहा मेरा। तो आ गया घर पे भाई, फाइनली बुक ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को, ट्रैफिक में फंस गया, हालत खराब हो गई। और गाड़ी जो चलाया ना फ्रेंड ये देखो सीएनजी अभी अभी खत्म हो गई पूरी, 183 किलोमीटर खाली गाड़ी चली है, और पहली बुकिंग ले जाने के बाद मैंने सीएनजी भरा था, यानी कि 15 किलोमीटर और पकड़ लो यानी टोटल 200 किलोमीटर गाड़ी चलाया मैंने, लेकिन जो सीएनजी गई वहां पे ज्यादा चलेगी क्योंकि एक सीएनजी में 183 का एवरेज गाड़ी पे दिया, क्योंकि हैवी ट्रैफिक में भर गया, प्रेशर भी कम था फ्रेंड। तो एक तरह से जो सीएनजी गई आज फ्रेंड 700 रुपए का टोटल सीएनजी गया है, 183 किलोमीटर गाड़ी टैंक रिसर्च सीएनजी भरने के बाद मैंने किया था, और यहाँ से जो एक एयरपोर्ट की मरोल की बुकिंग ले गया था मैं 12-13 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर टोटल गाड़ी मैंने चलाया है, 600 रुपया प्लस 100 रुपए का और फ्यूल पकड़ के चला, 100 रुपए के फ्यूल में 12 घंटे 2500 रुपए का तुम्हारे भाई ने काम किया, गाड़ी लाके पार्किंग में खड़ी कर दिया, आज रात फिर निकलेंगे और अच्छा काम करने के लुकेंगे, और उम्मीद यही रहेगा भाई 2500 रुपए का काम हो जाए उसने में अपने को सुख में, क्योंकि 2500 का काम बहुत ही अच्छा है भाई साहब, अगर एक सीएनजी में 2500 का काम हो जाए ना तो काफी अच्छा है। तो चलो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, जाते जाते और अपना फैमिली ब्लॉग उत्कर्ष ब्लॉग सब्सक्राइब कर लेना जनता, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग करते नहीं भाई साहब।